हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम 10th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। उसका ये पार्ट 1 नहीं, अलग अलग पार्ट्स में होगा। तो चैप्टर नंबर 1 का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो क्या है इस चैप्टर में, आइए स्टार्ट करें। सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी बुक खोल लें और एक साथ में पेंसिल भी ले लें। मैं इसमें कुछ लाइन अंडरलाइन कराऊंगा, तो वो लाइनें अंडरलाइन कर लेना। स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है एनसीईआरटी का। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। साइंस को वैसे ही बोलते हैं मुश्किल है, मुश्किल है, साइंस में कुछ मुश्किल नहीं है। हमारी डेली लाइफ में ये सब काम होते हैं, ठीक है। ये देखो, ये सारे डेली लाइफ के काम इसने लिख रखे हैं और ये बिल्कुल आसान है। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। ये कह रहा है कि गर्मियों में हम दूध को बाहर रख देते हैं, फ्रिज से बाहर रख दिया, मान लो कमरे में रख दिया, तो क्या होगा, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट कह रहा है, एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। ये कह रहा है कि लोहे का तवा है, आपने देखा होगा जिस पे रोटियां पकाते हैं वो, या नेल कील है, लोहे की कील है, उसको हम बाहर रख देते हैं, ठीक है। हुमिड एटमॉस्फेयर, हुमिड एटमॉस्फेयर का मतलब होता है नमी वाला वातावरण, जैसे बारिश के दिनों में होता है, उसको बोलते हैं हुमिड एटमॉस्फेयर, उसमें रख दे। फिर कह रहा है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स होते हैं, उसको अगर बाहर धूप में सुखाते हैं तो किशमिश बन जाती है। फूड इज कुक्ड, खाना पक जाता है। फूड गेट्स डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, जैसे खाना हमारे बॉडी में पचता है, वी रेस्पायर, हम सांस लेते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब डेली एक्टिविटीज़ हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन ये सब हैं क्या, क्या होता है इनसे, तो जानते हैं इसके बारे में। इन ऑल अबाउट सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज्ड। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर इन द प्रीवियस क्लासेस। ये कह रहा है कि जो हमने प्रीवियस क्लास में, यानी 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है, उसमें हमने पढ़ा था केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होता है। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज डिफरेंस ये होता है कि आपने पढ़ा होगा जो कोई मैटर होता है, मैटर, मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों स्टेटों में सब कौन सी चीज़ पाई जाती है, वाटर। वाटर एक ऐसी चीज़ है जो तीनों स्टेट्स में होती है। सॉलिड, सॉलिड में कब होता है, जब उसकी आइस होती है, बर्फ बन जाती है। लिक्विड, लिक्विड तो पानी होता ही है। गैस, गैस तब होता है जब वाटर वेपर्स बन जाते हैं। तो वाटर जो है वो तीनों स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। जब वाटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आता है, जैसे सॉलिड था, आइस थी, मेल्ट होगी, पिघल की लिक्विड बन गया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आ गया वाटर, ठीक है। तो ये होता है फिजिकल चेंज, लेकिन है तो वाटर ही। अब उसकी बर्फ जमा लो या पानी रख लो या उसको भाप बना लो, रहेगा वो हमेशा क्या, पानी ही रहेगा, कोई नई चीज़ तो बनेगी नहीं उससे, पानी ही रहेगा। तो ये होता है फिजिकल चेंज। अब होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है कि कोई भी चीज़ है, हम उसको रख दें और उसकी नई चीज़ बन जाए। जैसे इसका ये एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम दूध को रखते हैं, दूध रख दिया हमने, शाम को रखते हैं, और सुबह जब उसकी दही बन जाती है, फिर उस दही से लस्सी बनाते हैं, वो होता है, वो होता है हमारा केमिकल चेंज। जब क्या होता है, दूध होता है हमारा, ठीक है, मिल्क है, मिल्क से जब दही बन जाता है, कर्ड, ठीक है, तो ये जो चेंज हुआ है तो दूध, लेकिन दूध से क्या हुआ, नई चीज़ बन गई। इसको बोलते हैं केमिकल चेंज, कि एक चीज़ से कोई दूसरी नई चीज़ बन जाए, न एक सब्सटेंस से कोई दूसरा सब्सटेंस मिलके एक या एक से अधिक कोई भी दो चीज़ें मिलके एक नया सब्सटेंस बना दें, तो उसको बोलते हैं हम केमिकल चेंज। इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी दोनों अलग होती हैं। दूध मीठा होता है, ये थोड़ी खट्टी होती है,
ठीक है, ये पतला होता है, ये गाढ़ी होती है, हर चीज़ अलग है दोनों की, सब कुछ अलग है, ठीक है। तो इनका केमिकल जो चीज़ होती है, केमिकली जो इंटरनली जो चीज़ होती है, वो सब प्रॉपर्टीज जो होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो दोनों अलग होती हैं। जब केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, केमिकल चेंज होता है। तो क्लियर हो गया फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ये 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2nd है, तो उसकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, 9th क्लास की प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। फिर कह रहा है, वेन एवर ए केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। देखो वही बात बता रहा है कि केमिकल चेंज कब होता है, जब एक केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय ए केमिकल रिएक्शन, हाउ डू वी कम टू नो दैट ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये कह रहा है कि हमें कैसे पता लगेगा कि जो केमिकल रिएक्शन है वो हो गई है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर ऑफ टू दीज क्वेश्चन। ये कह रहा है कि चलो कुछ एक्टिविटीज करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए। सबसे पहली एक्टिविटी आती है 1.1, दिस क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। ये कह रहा है एक मैग्नीशियम रिबन लो और उसको रब करो सैंड पेपर से। सैंड पेपर आपने देखा होगा देसी लैंग्वेज में रेगमार्क बोलते हैं, उससे उसको रब करो, ठीक है। फिर कह रहा है, होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टंग्स, बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एश ऑफ फोम इन द वॉच ग्लास एज शोन इज दिस फिगर। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। ये कह रहे हैं कि ये देखो इसमें एक्टिविटी परफॉर्म भी करके दिखा रखी है। ये मैग्नीशियम रिबन लिया हमने, इसको हमने टोंग बोलते हैं, इसको चिमटा होता है, इसको इससे पकड़ लिया, ठीक है। ये बर्नर है, इससे हमने इसको जला दिया। जलाने के बाद क्या किया, ये होती है वॉच ग्लास, कटोरी से टाइप होती है ये, ठीक है। और इसको हमने जला दिया, ये देखो नीचे गिर गया जल के, ये राख गिर रही है इसकी, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन की। तो ये क्या हुआ, ये जो नीचे कलेक्ट हुई, जो राख कलेक्ट हुई, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या हो गया, एक केमिकल रिएक्शन हो गई, एक नई चीज़ बन गई। मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम देखो यहाँ पे था मैग्नीशियम, ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम से क्या बन गया, मैग्नीशियम से क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये क्या हुआ, ये केमिकल चेंज हो गया, एक नई चीज़ बन गई, ठीक है। इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब ये कह रहा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए डिजल वाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू ए वाइट पाउडर। ये कह रहा है कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो जलने के बाद क्या होगा, एक वाइट पाउडर बन जाएगा। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये पाउडर क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। जब हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो ऑक्सीजन चाहिए होती है उसको, आग लगने के लिए, आग जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये कह रहा है मैग्नीशियम जब आग पकड़ता है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाता है और उससे क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अब ऑक्सीजन आई कहाँ से, हमारे आसपास जो हवा है उसमें ऑक्सीजन होती है, जिससे हम सांस भी लेते हैं वो भी ऑक्सीजन होती है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी एक्टिविटी, टेक के लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया, लेड नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन ले लिया, उसमें क्या किया, ऐड पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन इन। अब उसमें क्या किया हमने, पोटासियम आयोडाइड डाल दिया, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, आपको बस ये दिखाने के लिए हैं कि हाँ केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। वो मैंने आपको बता दिया कि एक चीज़ से दूसरी नई चीज़ जो बनती है वही क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। ऐसे ये तीसरी एक्टिविटी दे रखी है, चलो इसको भी समझा देता हूँ मैं। टेक ए फ्यू जिंक ग्रेनुल्स इन ए कॉनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब। अब क्या किया, इसने एक जिंक ग्रेनुल्स लिए एक कॉनिकल फ्लास्क में,
ये आप देख सकते हो, ये शेप देख सकते हो, ये होता है कॉनिकल फ्लास्क इस टाइप का, ठीक है। और इसमें छोटे छोटे देख रहे हो किले से पड़े हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये है जिंक ग्रेनुअल्स। फिर क्या कर रहा है, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड कोई भी हम ले सकते हैं, इसके अंदर हमने डाल दिया। फिर कह रहा है डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेनुअल्स, फिर ये कह रहा है कि जिंक ग्रेनुअल्स के साथ क्या हुआ, टेस्ट द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर चेंज इन इट्स टेम्परेचर। ये कह रहा है कि कॉनिकल फ्लास्क को टच करके देखो क्या उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ या कम हुआ, उसके टेम्परेचर के साथ कोई चेंज हुआ या नहीं हुआ। अभी इसके बारे में नीचे दिखाता है क्या कह रहा है। फ्रॉम द अबाउट थ्री एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये कह रहा है कि हमें ये सब एक्टिविटी ये बताती है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। बाकी इस एक्टिविटी 1.3 में देखो दिखा रखा है, ऊपर से कॉर्क लगा दिया, ये ग्लास ट्यूब लगा दी, ये कॉनिकल फ्लास्क है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ये जिंक ग्रेनुअल है। जिंक ग्रेनुअल को, वो जिंक ग्रेनुअल है उसके अंदर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये देखो निकाल रखी है हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस बाहर ना निकले उसके लिए ये कॉर्क लगा रखा है, और कलेक्ट करने के लिए ये ट्यूब लगा रखी है, इससे हम देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। और क्या क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो क्या क्या होता है, चेंज इन स्टेट, स्टेट भी बदल जाती है। जैसे आपने देखा होगा पहले मैग्नीशियम था एक रिबन टाइप था, फिर जल गया, जलने के बाद क्या होगा, राख बन गई, वो क्या हो गया, उसकी स्टेट चेंज तो नहीं हुई, पहले भी सॉलिड था फिर भी सॉलिड रहा। चेंज स्टेट होती है, किसी में नहीं होती, ठीक है। चेंज इन कलर, कलर चेंज हो जाता है, कलर तो आपने देखा जैसे लकड़ी है, लकड़ी का भी देख सकते हो आप कैसा कलर होता है, उसको जलाते हैं तो कैसा कलर हो जाता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलती है, जैसे ये एक्टिविटी है, इसमें क्या है, इसमें गैस निकल रही है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज होता है। ये जब रिएक्शंस होती हैं, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हम रिएक्शंस कराते हैं मेटल के साथ, तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होती है, जिससे क्या होता है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ये कॉनिकल फ्लास्क है, इसका जो है ये बोल रहा है, इसमें बोला इसने देर इज एनी चेंज इन टेम्परेचर, तो इसका क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा। एज यू ऑब्जर्व दैट चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी दैट देर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस अराउंड अस। ये कह रहा है कि हम अपने आसपास देखते हैं बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हमारे आसपास चलती रहती हैं, होती रहती है। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन दिस चैप्टर। ये कह रहा है कि हम जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनको लिखते कैसे हैं सिंबल्स की फॉर्म में, तो वो पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक आता है इसके अंदर केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है, मैग्नीशियम रिबन को हम जब बर्न करते हैं जलाते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म ए क्वाइट लॉन्ग। अब ये देखो यहाँ से, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन में ये लिखी गई, ये बात लिखी गई, कितनी लंबी लिखी गई है डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। इट कैन बी रिटन इन ए शॉर्टर फॉर्म, इसको हम छोटे से फॉर्म में लिख सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस राइट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। इस केमिकल जो ये हमने सेंटेंस लिखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो सेंटेंस लिखा है इस सेंटेंस को हम क्या कर सकते हैं, वर्ड इक्वेशंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। इतना बड़ा लिखने की बजाय हम इसको छोटा लिख सकते हैं। वर्ड इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करी, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या होता है ये मैं बताता हूँ। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें दो या दो से ज़्यादा कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं। जैसे ये एरो, सबसे बेसिक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ इसको देखने का, तुक्का मारने का, आपको कुछ नहीं सीधा रट लेना है। ये एरो देख रहे होगे आप यहाँ पे, देखो ये एरो, इस एरो के लेफ्ट साइड में जो भी होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं, और जो ये ऐसे एरो बना रहता है इसके राइट साइड में जो कुछ भी लिखा होगा वो क्या होता है हमारा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स वो चीज़ें होती हैं जो रिएक्शन करने के लिए पार्टिसिपेट करती हैं, रिएक्शन करने के लिए हमें चाहिए होती है।
प्रोडक्ट वो होता है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब कोई भी नई चीज बनती है तो उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। आपने सुना भी होगा कंपनी का ये प्रोडक्ट है, इस कंपनी का ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट वही होती है दो जो चीज तैयार होके सामने आती है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। फिर आता है द सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज इन द रिएक्शंस, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। वही बात है, मैंने ऊपर बात को एक्सप्लेन कर दिया है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, नया सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और उसको क्या कहेंगे हम, प्रोडक्ट कहेंगे। ये वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एंड एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। ये कह रहा है कि एक एरो लगाई जाती है बीच में उसको दिखाने के लिए कि क्या बना। द रिएक्टेंट्स ऑन रिएक्टेंट्स आर रिटर्न ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद ए प्लस साइन बिटवीन देम। देखो ये मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड में जो कुछ होगा, इस एरो से लेफ्ट साइड में जो कुछ होगा वो सब क्या होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे, अलग अलग होंगे लेकिन उनके बीच में क्या लगाते हैं हम, प्लस का निशान लगाते हैं। एक पहचान और मिल गई हमें, क्या वो पहचान ये मिल गई कि लेफ्ट साइड में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एक हो दो हो या तीन हो, जितनी भी हो उनके साथ में क्या होगा, प्लस का निशान होगा। ठीक है, सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटर्न ऑन द राइट हैंड साइड। सिमिलरली क्या है, प्रोडक्ट है जो ये प्रोडक्ट है वो राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा। हमें बस इस चीज़ का, इस एरो का ध्यान रखना है, इसके लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स, राइट साइड में प्रोडक्ट, ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, अभी इसमें क्या है, प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, इसके अंदर क्या है, सिर्फ एक ही चीज़ बन रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इसके साथ कोई और दो चीज़ बने तो हम प्लस का साइन लगा के वो भी लिख देंगे ऐसे। अब ये कह रहा है राइट हैंड साइड विद द प्लस साइन बिटवीन देम, ये वही बात कह रहा है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दो चीज़ें बन के मिल के एक चीज़ बना रही है, अगर इसके साथ कुछ और चीज़ भी बनती तो हम प्लस का निशान लगा के उसको भी यहाँ पे लिख देते। बस इसमें जानने वाली बात ये है कि जो एरो के लेफ्ट साइड में है वो रिएक्टेंट है, राइट साइड में है वो प्रोडक्ट है। द एरो पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शंस। ये कह रहा है कि हमने ऐसे एरो बना रखी है कि इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होके इस तरफ जा रही है, यानी कि इधर लिखे हुए रिएक्टेंट्स होंगे और इधर जाके प्रोडक्ट बनेगा, ये बता रहा है इसमें। ठीक है, अब एक केमिकल इक्वेशन, राइटिंग एक केमिकल इक्वेशन। हमने ऊपर पढ़ लिया कि इक्वेशन होती क्या है, कैसे हम लिखते हैं, उसमें क्या क्या चीज होती है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन उस केमिकल इक्वेशन को हम लिखते कैसे हैं केमिकल फॉर्मूलाज की मदद से, वो अब हम इसमें पढ़ेंगे। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंट ए केमिकल इक्वेशन। अब ये कह रहा है कि हमने देखो ये लिखा था, हमने पूरा लिखा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का भी पूरा नाम लिखना पड़ा, ऑक्सीजन का भी पूरा नाम लिखना पड़ा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी पूरा नाम लिखना पड़ा, लेकिन अब क्या है, हम इसको और भी छोटा बना देंगे। और छोटा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनके फॉर्मूलाज लिखेंगे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के हमने फॉर्मूलाज लिख दिए इसमें। अभी ये कह रहा है केमिकल इक्वेशन कैन, केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कॉन्साइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। ये कह रहा है कि जो हम ऊपर लिखते हैं वर्ड्स लिखा हमने, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड पूरा लिखा था, हम उसकी जगह उसका केमिकल फॉर्मूला लिख देंगे तो और भी छोटी इक्वेशन बन जाएगी। एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन हम क्यों लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन लिखते हैं ताकि हमें केमिकल रिएक्शन का पता लग जाए। इफ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस। ये कह रहा है कि अगर आपको कोई फॉर्मूला याद है, केमिकल नेम याद है, मैग्नीशियम का केमिकल फॉर्मूला ये है, ऑक्सीजन का O2 है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO है, ये आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं है तो आप कम से कम 20 तक, ये केमिस्ट्री में आता है, कम से कम 20 तक आप ये याद कर लें। ठीक है, केमिकल फॉर्मूलाज इनके और एटॉमिक नंबर क्या होता है वो सब आप याद कर सकते हैं। मैग्नीशियम का आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का भी पता होना चाहिए, ये कुछ बेसिक कंपाउंड है जो बार बार यूज होंगे आपके। आप इसको अलग से कॉपी में भी लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप कॉपी में लिख सकते हैं MG, ऐसे लिखना है आपको MgO2।
इक्वल्स टू मैग्नीशियम, ठीक है। Mg इक्वल्स टू मैग्नीशियम, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर ऐसे ही O2 लिख के ऑक्सीजन, MgO लिखा, फिर उसको लिखो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे ऐसे जितने भी फॉर्मूलाज, केमिकल फॉर्मूलाज आते रहेंगे, जितने भी नाम आते रहेंगे, वो सब आपको कॉपी में नोट करते चलना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे कह रहा है काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। अब ये कह रहा है कि जो एरो है, एरो का बहुत ध्यान रखना है, जो कुछ है केमिकल इक्वेशंस में सब कुछ एरो पे डिपेंड करता है। एरो है जो, आपको ये करना है, एरो से लेफ्ट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड देखो, क्या जो एटम्स हैं वो बराबर हैं। इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन द सेम ऑन द बोथ साइड्स, क्या दोनों साइड्स जो एटम्स हैं वो बराबर हैं। इफ यस, अगर हाँ, देन द इक्वेशन इज बैलेंस, तो इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। इफ नॉट, देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड, अगर नहीं तो क्या है, इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। क्योंकि ये कह रहा है कि अनबैलेंस है, तो क्यों है, क्योंकि मास है वो दोनों साइड बराबर नहीं है। वे मास बराबर होगा तो वो बैलेंस इक्वेशन होगी, ठीक है। सच ए केमिकल इक्वेशन इज ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन इक्वेशन 1.2 इज ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। ये कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है एक स्केलेटन टाइप है, सिर्फ हमने नॉर्मली इक्वेशन लिख के छोड़ दी। अब इसमें देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, कितनी है यहाँ पे, ऑक्सीजन दो है, लेकिन यहाँ कितनी ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। यहाँ मैग्नीशियम कितना है, एक है। यहाँ मैग्नीशियम कितना है, एक है। मैग्नीशियम तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, बराबर नहीं है। यहाँ पे दो है और एरो की साइड कितनी है, एक है। तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन अलग अलग है, लेकिन जितनी डाली थी वो खत्म थोड़ा ही होगी, रहेगी तो उतनी ही, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन कहाँ गई, एक ऑक्सीजन रिलीज हो गई, निकल गई, ठीक है। इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ये एक स्केलेटन टाइप है, मतलब कि इस तरह से इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। फिर अब ये चीज़ें आगे आएंगी। अभी आती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, हम किसको बोलते हैं बैलेंस्ड है, कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडी इन क्लास नाइन्थ। नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो क्या कहता था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, कि जो मास होता है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो बढ़ता है ना घटता है, वो हमेशा बराबर रहता है। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। ये कह रहा है कि रिएक्टेंट्स यानी कि एरो के लेफ्ट साइड वाले क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स, इनका जितना मास होगा उतना ही मास एरो से इधर होगा, राइट साइड में होगा इनका, इसका यही मतलब है। अब इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स रिमेन द सेम। अब मास कहाँ नापोगे, इस चीज का मास तो नाप नहीं सकते, मास नापने के लिए तो हमें वेट का यूज करना पड़ता है। तो उसको भी सिंपलर बनाने के लिए इसमें क्या चीज डाली गई है, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। हेंस वी नीड टू बैलेंस ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये वही कह रहा है कि जो स्केलेटल इक्वेशन हमारे पास बन के आएगी, केमिकल इक्वेशन बन के आएगी, उसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड, लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। द वर्ड इक्वेशन फ्रॉम फॉर एक्टिविटी 1.3 कैन बी रिप्रेजेंटेड दिस। अब देखो ये कह रहा है कि जो हमने एक्टिविटी की थी 1.3, अब उसको देखते हैं हम, उसमें क्या क्या थी, जिंक था, सल्फ्यूरिक एसिड था। जिंक तो क्या बना, जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन बना। देखो मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट में अंदर एक से ज़्यादा चीज़ें मिल रही है तो प्लस का निशान लगा के रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही इस तरफ है, जो जो चीज़ें मिलाई गई हैं उनके बीच में क्या है, प्लस का निशान है। राइट साइड ये वाला प्रोडक्ट है और इस साइड वाला क्या है, रिएक्टेंट्स, ठीक है।
अब इतनी बड़ी इक्वेशन थी, पूरा नाम लिखा हुआ था, अब उस नाम को भी क्या किया हमने, छोटा कर दिया, यानी कि उसका जो वर्ड था उसका केमिकल फॉर्मूला लिख दिया। जैसे अभी कॉपी में नोट करने वाली चीज़ ये है, जेड एन इज इक्वल टू क्या होता है, जिंक। H2SO4 इज इक्वल टू क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। फिर ZnSO4 इज इक्वल टू क्या होता है, जिंक सल्फेट। H2 इज इक्वल टू क्या होता है, हाइड्रोजन। ये चीजें कॉपी में नोट कर लो कि किस चीज का क्या फॉर्मूला है। अब इसके अंदर इसने क्या चीज पूछी है वो देखते हैं। अब आपने देखा जिंक, ये जितनी भी चीजें हैं जितनी भी, वो सब यहाँ पे लिख दी। ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स क्या होते हैं, आप 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, चैप्टर नंबर 2 उसमें है, एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, वो सब मैंने पढ़ा रखा है 9th क्लास में। तो आप 9th क्लास की वीडियो जाके देख सकते हैं चैनल पे, चैप्टर नंबर 2 की। तो इसमें क्या है, देखो जिंक है, जेड एन है, एच हाइड्रोजन बिल्कुल है, एस सल्फेट वो भी है, एस ये भी है, इसमें ऑक्सीजन है, हाँ ऑक्सीजन भी है, कुछ रह तो नहीं गया, बाकी सब चीजें यही है, बस यही सब चीजें हैं। किसी कोई एक बार आ गई, कोई दो बार आ गई, ठीक है। अब कह रहा है नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट्स, यानी कि एरो के लेफ्ट साइड में देखो कितने हैं जेड एन, जेड एन कितने हैं इसमें, एक जेड एन है। अब राइट साइड में देखो, राइट साइड में इस साइड में देखो, जेड एन कितने हैं, एक है, यानी कि ये तो बराबर है, जेड एन एक इधर है एक इधर है, ये क्या है, बराबर है। अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, H2, यानी इसका क्या मतलब, H2 का मतलब है कि हाइड्रोजन दो हैं, हाइड्रोजन के एटम क्या है, दो। ये जो नीचे लिखा रहता है ना, दो दो लिखा, ये इसके नीचे 2 लिखा हुआ, ये क्या है, इसका नंबर ऑफ एटम्स है, कि कितने ऑफ नंबर ऑफ एटम्स है, दो लिखा है, इसका मतलब क्या है कि दो एटम्स हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, दो एटम है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में कितने हैं, ये देखो ये रे कितने हैं, दो, यानी कि हाइड्रोजन भी बराबर है। अब आता है एस, एस फोर सल्फर होता है, ठीक है, सल्फर कितने हैं यहाँ पे, एक है, और इस साइड कितने हैं, एक है, इसका मतलब ये भी कितना है, क्या है, बराबर है। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन थी, यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, यानी कि ये बराबर है दोनों तरफ। तो इस तरह की एज द इक्वेशन ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ एरो इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो इस टाइप की इक्वेशन होती है कि हमें देखा जितनी चीजें इधर हैं उतनी इधर हैं, तो इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की आपको डेफिनेशन पता लगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन ये होगी, व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स इन द लेफ्ट साइड इज इक्वल टू द राइट साइड ऑफ, ठीक है। अब एक बार दोबारा से सुन लो, व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स इन ए केमिकल रिएक्शन, सॉरी दोबारा से देखो, सॉरी थोड़ी मिस्टेक होगी, दूसरी थोड़ी और इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। ये कह रहा है व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन राइट हैंड साइड। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन बता दी है, यही है। अभी ये कह रहा है लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, कि ये जो केमिकल इक्वेशन दे रखी है इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। एक बार देख लो केमिकल इक्वेशन क्या है, Fe इज इक्वल टू आयरन होता है। ये सब चीजें आपको पीरियोडिक टेबल में मिल जाएंगी, पीरियोडिक टेबल आप खोल के रखा करो, या फिर पीरियोडिक टेबल में इन सब चीजों को देख के पीरियोडिक टेबल से आप लिख सकते हो, एक एक कॉपी के या तो फ्रंट पेज पे या लास्ट पेज पे, ये सब नाम है जो जो इनको लिख सकते हो। पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे हैं, उनको सबको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो हमारे यूज में आ रहे हैं, जो हम इसमें बुक में पढ़ रहे हैं, सिर्फ उनके नाम लिख लो, बहुत है। H2 हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन, ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ ली है।
ऑक्सीजन का भी पता है, हाइड्रोजन का भी पता है, एफ ई नई चीज आई थी वो मैंने बता दी, एफ ई आयरन होता है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस कैसे क्यों करना है इसको वो देख लेते हैं। एफ ई कितने हैं यहाँ पे, एक है, लेकिन इस साइड एफ ई कितने हैं, तीन है। इसका मतलब क्या है कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें। मैंने क्या बताया, दोनों साइड बराबर होने चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, गड़बड़ है, एक साइड ज़्यादा एक साइड कम, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ द बॉक्सेस अराउंड द फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। अब ये हमें सिखा रहा है कि जो इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन, उसको बैलेंस कैसे करते हैं, यानी कि बराबर कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो जो चीज़ है उनके चारों तरफ डब्बे बना दो, बना दिए, जैसे इसमें बना के दिखा रखे हैं, ये डब्बे बना दो, बना दिए। फिर कह रहा है लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन 1.5। अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखो, ऐसे टेबल बना लो, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट यानी कि राइट हैंड साइड। अभी एलिमेंट्स क्या क्या इसमें जो जो नाम दिख रहे हैं आपको वो देखो, सबसे पहले क्या क्या नाम दिख रहे हैं, एफ ई दिख रहा है वो लिख दिया, फिर एच दिख रहा है वो भी लिख दिया, ये 1, 2, 3 ये सब छोड़ दो। एलिमेंट्स जब लिखते हैं, एलिमेंट्स लिखते टाइम ये 1, 2, 3 ये सब नहीं लिखना आपको, सिर्फ अल्फ़ाबेट लिखने जो इंग्लिश में होते हैं। फिर क्या है, ओ, ओ ऑक्सीजन होता है, वो भी लिख लिया। अब क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स इन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। एफ ई लेफ्ट हैंड साइड में एफ ई कितना है, एक लिख दिया। अब राइट हैंड साइड में देखो एफ ई कितने हैं, तीन, वो भी लिख दिए। अब हाइड्रोजन देखो इस साइड में कितनी है, दो है, दो लिख दी। इस साइड में कितनी है, दो है, दो लिख दी। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितनी है, इस साइड में एक है, ऑक्सीजन है, एक लिख दी। अब राइट हैंड साइड में लिखो, राइट हैंड साइड में कितनी ऑक्सीजन है, चार, तो हमने चार लिख दी। अब आता स्टेप नंबर थ्री। अब ये सब लिखने के बाद क्या करेंगे, इट इज ओपन convenient to start balancing with the compound that contains maximum number of atoms। ये कह रहा है कि हम सबसे पहले उस एटम को बैलेंस करेंगे, बराबर करेंगे जो सबसे ज़्यादा हैं। इट मे बी रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट, वो या तो रिएक्टेंट में हो या प्रोडक्ट में हो, लेकिन सबसे ज़्यादा हैं जो, उसको देखेंगे सबसे पहले। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, Using this criteria, we select Fe3O4 and the element oxygen in it. There are four oxygen atom on the right hand side, only one in left hand side. ये कह रहा है कि सबसे पहले हम उस चीज़ को उठाएंगे जिसमें सबसे ज़्यादा atom है, Fe3O4। इसके अंदर क्या है, तीन iron है, चार oxygen है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं, एक साइड तो एक है, देखो इसमें लिखा भी हुआ है, ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है, ये रही, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि ये साथ में दिखाई दे जाए। अभी देखो इनिशियली कितना है इसमें, इसमें यहाँ पे देखो H2O, ऑक्सीजन कितना है, H2O के अंदर 1 है, और यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन, Fe3O4 के अंदर ऑक्सीजन कितने हैं, 4, ठीक है। सबसे ये जो चीज़ है, ये जो है, इसको हम अलग अलग नहीं लिख सकते, इसको अब हमें तीसरे स्टेप में एक साथ लिखना होगा, इसको भी एक साथ लिखना होगा, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, H2O। लेकिन सबसे अलग चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा डिफरेंस किसका है इसमें, देखो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किसका है, इसमें देखो तीन में से एक गया, इसको हम अब हम बैलेंस करके देख, मतलब घटा के देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा चेंज किसमें, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसमें, 4, सबसे बड़ी यूनिट कितनी है, 4। इसमें देखो, इसमें तो एक और दो ही हैं, इसमें 3 और 4 हैं, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4, तो 4 के सामने क्या है, ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये है कि हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बराबर करेंगे दोनों साइड में,
ठीक है, ऑक्सीजन एक साइड चार थी, एक साइड एक थी। ऑक्सीजन ये देखो प्रोडक्ट में कितनी थी, चार ऑक्सीजन थी, और रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन एक थी। तो अब हमने उसको बैलेंस करने के लिए क्या किया, हमने उसको चार से गुणा कर दिया, चार से मल्टीप्लाई कर दिया। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ऑफ द एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल बैलेंस टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोफिशेंट फोर एज फोर एच टू ओ एंड नोट एच टू ओ फोर और एच टू ओ फोर। नाउ पार्शली द बैलेंस्ड इक्वेशन बिकम्स। ये कह रहा है कि हमें जो फॉर्मूला लिखा होता है उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ना तो हमें ये लिख देना है ना हमें ये लिख देना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ये लिखना है उसके साथ में चार लिख देना है, पूरे के साथ में, पूरा डब्बा है डब्बे के साथ में चार लिख दिया हमने, डब्बे के अंदर कोई भी हमें छेड़खानी नहीं करनी है। अब अगला स्टेप आ गया स्टेप नंबर फोर। अब कह रहा है एफ ई एंड एच एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड। अब फिर देखा हमने भाई ऑक्सीजन कितनी है, चार हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, चार हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या हो गया, अब हाइड्रोजन कितनी होगी, चार और दो, चार दूनी आठ हो गई, लेकिन यहाँ कितनी है, यहाँ तो दो है। ये जो चार लिखा है चार की मल्टीप्लाई डब्बे के अंदर पूरे के साथ होगी, जैसे मैथ में फॉर्मूला होता है ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा होता है उसकी मल्टीप्लाई सबके साथ हो जाती है। जैसे ब्रैकेट में लिखा है भाई चार है और अंदर लिख दिया तीन प्लस पाँच, कुछ भी ब्रैकेट के अंदर कुछ भी है चार की गुणा इन सब के साथ होगी। तो वही सेम फॉर्मूला यही है, इस चार की गुणा इन सब के साथ होगी जो इस ब्रैकेट के अंदर इस डब्बे के अंदर है। ठीक है, अब क्या किया इसने, इसमें देखा भाई हाइड्रोजन तो होगी आठ और ऑक्सीजन होगी चार, और इस तरफ देखा ऑक्सीजन तो है चार लेकिन हाइड्रोजन कितनी है, दो, हाइड्रोजन तो आठ ना हुई तो हाइड्रोजन को आठ बनाना पड़ेगा। तो इनिशियली ये देखो इसने लिखा है कि भाई चार इनिशियली क्या थी, आठ थी हाइड्रोजन। ठीक है, अब बैलेंस करने के लिए इसने क्या किया, इसको आठ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और प्रोडक्ट को भी अब इधर आठ से मल्टीप्लाई करने का करेगा तो दूसरी तरफ भी किया इसने, दूसरी तरफ भी क्या किया इसने, दो तो ये पहले था ही दिखा, ये दो, चार और लगा दिया इसके आगे, एच के आगे चार और लगा दिया तो कितना हो गया, आठ हो गया। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना चार गुणा दो ये होता है आठ, तो इधर देखो इधर क्या बनेगा, दो तो पहले ही है, आठ बनाने के लिए कितने से और गुणा करने पड़ेगा, दो का चार से, चार से क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, चार से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, दो यहाँ पे है ही तो क्या हो जाएगा, चार दूनी आठ, ये भी आठ हो जाएगा। इसने वही किया देखो, चार गुणा दो कितना था, आठ, यहाँ भी चार लगा जाए ये भी कितना हो गया, आठ। भाई हाइड्रोजन बराबर होगी, ऑक्सीजन भी बराबर होगी, बराबर होगी तो अब आगे आ जाओ, आयरन एफ ई अलग रह गया अभी, इसको अभी भी इक्वेशन बराबर नहीं हुई। अब इक्वेशन को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब आयरन देखेंगे भाई, अब आयरन को देखने के लिए क्या करेंगे, एक था और इधर तीन थे तो हमने क्या किया, जो इस साइड में था उसको तीन से गुणा कर दिया, कि जितने का भी डिफरेंस हो, जितने भी फर्क हो उसको उतने से गुणा कर दो, इसको हमने क्या किया तीन से गुणा कर दिया। ठीक, अब टोटल इक्वेशन जो कुछ सारे स्टेप हमने फॉलो करे वो सब कुछ नीचे लिख दिए भाई, थ्री एफ ई फोर एच टू ओ एफ ई थ्री ओ फोर फोर एच टू, ये इक्वेशन बन के आ गई हमारे सामने। अभी इस इक्वेशन में देखो गुणा ना, जो जो हमने गुणा घटा जो कुछ किया, अब इस इक्वेशन को मिला के देखो, तीन एफ ई यहाँ भी तीन एफ ई, यहाँ चार दुनी आठ एच टू, यहाँ चार दुनी आठ एच हो गया,
अब ऑक्सीजन कितनी है, चार, या ऑक्सीजन कितनी है, चार, यानी कि बराबर होगी इक्वेशन, ये क्या होगी, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। ठीक है, अब ये कह रहा था नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द बोथ साइड आर इक्वल, बराबर हो गई है, दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। अब इसको बैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। ये जो मेथड हमने यूज किया है इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। वी कैन मेक ट्रायल टू बैलेंस द इक्वेशन बाई यूजिंग स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशेंट। बैलेंस करने के लिए हम होल नंबर्स का एक यूज करते हैं। होल नंबर्स आपको पता ही होगा, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे लास्ट तक कितने तक भी चले जाए, वो सब क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। अब आगे आता है राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। अब इसके फिजिकल स्टेट्स भी लिखते हैं हम। स्टेट्स आपको पता ही है, तीन स्टेट होते हैं मैटर की, तीन स्टेट होती हैं, कौन सी, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, केयरफुली एग्जामिन द इक्वेशन 1.9, डज द इक्वेशन टेल्स अबाउट एनीथिंग फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट्स। अभी जो हमने केमिकल इक्वेशन लिखी, क्या उसमें हमें ये पता लग रहा है कि कौन सी चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ सॉलिड है, कौन सी लिक्विड है, कौन सी गैस, नहीं पता लग रही है। नो इन्फॉर्मेशन हैज बिन गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट दैट फिजिकल स्टेट। कोई भी हमें फिजिकल स्टेट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है इस इक्वेशन से। टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर मेंशनड अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूला। अब ये कह रहा है कि हमने जो भी इक्वेशन लिखी, केमिकल फॉर्मूलाज लिखे, उनके साथ हम उसकी स्टेट भी लिखेंगे, गैसेस, लिक्विड, एक्वेरियस, सॉलिड स्टेट। ये कह रहा है अब हम उसकी स्टेट भी लिखेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो कोई भी है वो सब लिखेंगे। ठीक है, नोटेशंस ये बता रखी हैं, गैस, लिक्विड, एक्वस और एस, सॉलिड। ठीक है, द फॉलोइंग द वर्ड एक्वेश इज रिटन ए क्यू इफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन ऑफ वाटर। अभी देखो इसने एक्सप्लेन भी कर दिया व्हाट इज एक्वेस। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एक्वेस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। अब क्या कहेंगे आप, एक्वस सॉल्यूशन में आप ये एक्वस पूछेगा व्हाट इज एक्वेस, तो आप लिख सकते हैं एक्वस इज ए सॉल्यूशन ऑफ एनीथिंग विद वाटर। ठीक है, कोई भी चीज़ है हम उसको पानी में डाल देते हैं, मिला देते हैं, घोल देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक्वस सॉल्यूशन हम उसको बोल देते हैं। अब केमिकल इक्वेशन थी हमारी, बैलेंस हो गई है। अब उसको अलग लिए हम क्या लिखेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो भी चीज़ है वो हम लिखेंगे। ऐसे लिख दिया, इसका मतलब है आयरन, ये चीज़ क्या थी, सॉलिड, H2O, ये क्या था, गैस। अब पूछेंगे कोई बच्चे, ये तो H2 है, H2O का मतलब तो वाटर होता है, ये गैस क्यों है। वाटर तीनों स्टेट में होता है, मैंने आपको बताया सॉलिड, लिक्विड और गैस, वाटर तीनों स्टेट में होता है, लेकिन यहाँ पे हमने कौन सा लिया है, गैसियस स्टेट वाला वाटर लिया है हमने। फिर Fe3O4 बना, ये कैसा है, ये सॉलिड है। H2 क्या है, हाइड्रोजन, ये क्या है, गैस है। नोट दैट द सिंबल जी इज यूज्ड विद H2O टू इंडिकेट दैट दिस इज रिएक्शन, वाटर इज यूज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम। देखो यही वही वही बात बताई है इसने कि जो वाटर है हमने यहाँ पे गैसियस फॉर्म में लिया है। यूजुअली फिजिकल स्टेट इज नॉट इंक्लूडिंग इन केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। ठीक है, समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिट एक्सेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबोव एंड और बिलो इन द इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल अब ये कह रहा है कुछ इक्वेशंस रिएक्शंस होती हैं, उसमें प्रेशर भी होता है, कैटलिस्ट भी होता है, टेम्परेचर भी होता है, तो वो सब चीज़ें भी हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन में। वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो दिखा रखा है। CO गैस है, जैसे ये भी गैस है, ये ATM, ये ATM जहाँ पे लिखा आ गया इसका मतलब है एटमोसफेयरिक ATM। यहाँ पे ATM में यूजर मेजर करते हैं हम, यहाँ पे प्रेशर, ATM जहाँ पे लिखा गया कि वहाँ पे प्रेशर की बात हो रही है। अब ये देखो ये चीज़ है, यहाँ पे सनलाइट है, क्लोरोफिल है, यानी कि ये क्या है, ये कैटलिस्ट है, ये अलग चीज़ें हैं, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। ये भी छोटे छोटे रिएक्शंस हैं, आपको इतनी सब बड़ी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है इतनी। ठीक है, यूजिंग दिस स्टेप यू कैन बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन द टेक्स्ट अर्लियर। ये कह रहा है कि आप जो ऊपर इक्वेशन दे रखी है वो भी कर सकते हो। बाकी ये क्वेश्चंस आ गए हैं, क्वेश्चन खुद से कर लेना, अगर नहीं समझ में आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि हमें कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो उस क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है,
इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगली वीडियो में स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी यहाँ से साइंस पढ़ सके। ओके ओके दोस्तों, बाय।